नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जेजेएन न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूं हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है, लेकिन अब एक राहत की खबर सामने आ रही है। बता दें, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन हल्द्वानी पहुंच आग पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहां तक वन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में अब पहाड़ों पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने NDRF की मदद ली है, जिसके चलते आग बुझाने के लिए NDRF की एक टुकड़ी ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। जिस संबंध में DFO नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि NDRF के जवानों को भवाली के महेश खान और मनोरा रेंज में लगाया गया है, जो आग की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। तो वहीं NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गदरपुर से NDRF की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची है और अब किन किन जगहों पर आग लगी है इनका भी उन लोगों ने सर्वे कर लिया है। ऐसे में जहां कहीं भी आग लगी हुई है उनको बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यदि आवश्यकता पड़ी तो NDRF के और जवानों को भी यहां लाया जाएगा। नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा ना होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है, और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारे 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइंस है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशन के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास NDRF की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये है, तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का, एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी। तो अभी हम लोग सभी इलाकों में इनके साथ जाएंगे और जिस जिस इलाके में जहाँ फायर है तो सिखलाए गए तरीके से, चूँकि हमारी जो टीम है इसको फायर का मैंडेट दिया गया NDRF को, तो और ये सभी लड़के जो है ट्रेनिंग पाए हुए हैं, जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हमें ट्रेनिंग दी गई। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।